हे नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज चीप इलेक्ट्रिक कार्स को कैसे हम लोग इंडिया में बाई कर सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और कितना टाइम लगेगा ये आने में। यह दोस्तों जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कितने ज़्यादा टेंशन है काम है। दोस्तों ये कोई टेंशन करना नहीं काम है, आप इसे आराम से कर पाएंगे, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो आप जो भी आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं मैं आपको Alibaba.com वेबसाइट से दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की होम डिलीवरी आपके घर तक कराती है। अब दोस्तों देखिए डिलीवरी जो हमारी जो इंपोर्ट होती है वो दो तरीके से होती है, पहली है सी पोर्ट और दूसरी आती है फ्लाइट पोर्ट। दोस्तों या फिर वो हवाई जहाज़ के जरिए भेजेंगे या फिर समुद्री रास्ते से भेजेंगे। अब दोस्तों दोनों में टाइम लगभग 15-20 दिन का लगना तो लगना है यहाँ पर। दोस्तों अगर आपके शहर में कहीं आसपास सी पोर्ट या फ्लाइट पोर्ट है तो आपके लिए खुशखबरी है, आप सीधे वहां जाके इसे रिसीव कर सकते हैं। वैसे तो ये बड़े शहरों मुंबई दिल्ली गोवा जैसे शहरों में ही देखने को मिलता है, पर उन शहरों का क्या जहां पर ये सारे पोर्ट्स है ही नहीं। तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ, आपको ये 7 तरीके दिख रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी एक तरीका सेलेक्ट कर अपने घर तक इसे मंगा सकते हैं। और अगर आपका घर काफ़ी ज़्यादा गाँव वाले एरिया में है तो आपको भाई खुद भी चलकर जाना पड़ सकता है या फिर आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए एक इंपोर्ट लाइसेंस, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये दोस्तों इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको लगभग 1000 रुपये के आसपास खर्च करना पड़ेगा और ये पूरा जो इसका प्रोसेस है वो ऑनलाइन फॉर्म इसका भराता है। इसे आप अपने जगह के कहीं भी नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको आने में लगभग 15-20 या फिर 1 महीना लग सकता है। फिर आप इसको आने के बाद आप जितना चाहे उतना प्रोडक्ट अलीबाबा या फिर कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक बिजनेस भी इससे आप चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब दोस्तों एक और सवाल उठता है कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं अगर वो कुछ भी डैमेज हो जाए 5-6 महीने में तो उसे हम कैसे बनाएंगे, क्या चाइना से इंजीनियर हमारे घर पर आएगा बनाने। दोस्तों यह बिल्कुल यहाँ पर चाइना से आपके पास इंजीनियर नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों ये लोग करते क्या है, आपका जो भी पार्ट खराब है अगर मोटर नहीं काम कर रहा है तो वो मोटर आप मतलब एक आएगा मैकेनिक या फिर जहाँ भी आपका पोर्ट रहेगा उनका एक आदमी आएगा, आप उनको मोटर दीजिए और नया मोटर वो आपको दे देंगे, फिर आप उसे अपने कार में फिट कर लीजिएगा। आपको मैनुअल वो लोग दे देते हैं और वो मैनुअल अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप किसी भी नज़दीकी मैकेनिक या फिर जो भी मिस्त्री जो होते हैं आप उनसे वो फिट करा सकते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम वाली बात नहीं होती है। और बैटरी की बात करूँ तो यार अधिकतर ये लोग भाई लिथियम नहीं देते हैं हमें, हमें लेड एसिड ही देते हैं। तो एज अ बैटरी की बात करूँ तो आपको सेम वोल्टेज की बैटरी आपको अमेजोन या फिर इंडिया में बहुत से ऐसे लोकल मार्केट शॉप में मिल जाती है जो कि 15-20 हज़ार 30 हज़ार आपको साल 1.5 साल 2 साल पर खर्च करना पड़ेगा इन कारों पर, ये तो भाई सत्य वचन है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं खर्च कितना आता है हमें हमने अपने घर तक इसे लाने में। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, अगर आप किसी नज़दीकी सी पोर्ट पर रहते हैं तो आपको भाई मुश्किल से आपको पास 150 या 150 जो वहाँ तक जाने भर का आपको बहुत खर्च देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रहते हैं सी पोर्ट से दूर या फ्लाइट कार्गो से दूर तो आपको अच्छे खासा आपको यहाँ पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लगभग आपको 15-20 हज़ार रुपये अगर आप जितना दूरी आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, वो आपको सोचना है कि आप कैसे लोगे उसे। लेकिन दोस्तों अक्सर जो हम कहते हैं कि मतलब जहाँ भी अगर सी पोर्ट आपके नज़दीक है तो ये बेस्ट ओपिनियन है, आप उसे तुरंत बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपका कोई भी सवाल छूट गया हो इस वीडियो में तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका तुरंत रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक रखें अपना खूब ध्यान, ख्याल, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक एंड टेक केयर।